हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट बिल्डिंग फ्रेजेस और फ्रेजेस व्हाट आर फ्रेजेस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रेजेस एंड वो क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर में एंड इंग्लिश स्पीकिंग में सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अब फ्रेज होते क्या है फ्रेज एक छोटा पार्ट होता है सेंटेंस का ये कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते हैं ये हमेशा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते, हमेशा ये बोला जाता है और हमारी नॉलेज में भी बचपन से यही डाला गया है कि जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं नाउन से वर्ब से और ऑब्जेक्ट से पर फ्रेज क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज एंड एडियम तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज होता क्या है और ये कैसे डिफरेंट है एडियम से या क्लॉज से सो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी अ अ अ फ्रेज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पार्ट ऑफ रादर देन दी होल ऑफ अ सेंटेंस दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते बट दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस इन बेटर वर्ड्स अ फ्रेज इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच करेक्ट एंड इट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट और अ फाइनाइटिव वर्ब फ्रेज क्या होता है फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच होते हैं जो की क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेंटेंस का बट इट डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट और वर्ब बट ये इंक्लूड क्या नहीं करता है ना ही ये सब्जेक्ट इंक्लूड करता है और ना ही ये फाइनाइटिव वर्ब या वर्ब इनक्लूड करता है फ्रेजेज आर मोर और लेस लाइक कैमिलियंस ऑफ सेंटेंस कैमिलियंस क्या होते हैं गिर गिट सो फ्रेजेस को सेंटेंस का कैमिलियन बोला गया है बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिचुएशन इट कैन एक्ट एज ए नाउन एडजेक्टिव एडवर्व डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेप्टन वॉन्ट टू कन्वे सो कैमिलियन इसीलिए बोला गया है बिकॉज वो कभी कभी नाउन भी बन जाते हैं एडजेक्टिव भी बन जाते हैं एडवर्व भी बन जाते हैं डिपेंड करता है कि कौन किस बात को कैसे कन्वे करना चाहता है सो दे रूप अकॉर्डिंग टू दिचुएशन गिवेन सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऊपर बात की है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस कैसे बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट हेड सो ईच हेड के लिए और ईच टाइप ऑफ फ्रेज के लिए हम एक एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे सो so दैट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हाउ दे वर्क सो दर्स्ट फ्रेज टाइप इज वन नाउन इफ दज अउन और अ प्रोनाउन इट इज अउन फ्रेज अगर हेड नाउन और प्रोनाउन है तो ये नाउन फ्रेज है

Verbals are verbs that can be adjective adverb or noun of a sentence if phrase has such a head then it is called verbal phrase participle if the head is a present or past participle then it is a participle phrase gerund if the head is a verb that act as a noun in the sentence it is gerund phrase infinitive if the head is a verbal preceded by to it is infinitive phrase इनफाइनाटिव में अगर हेड वर्बल है बट प्रोसीड हो रहा है वो टू से तो वो इनफाइना फ्रेज है दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोन एज हेड अलोन कैन नॉट फॉर्म आर ऑलवेज ग्रुप्ड विद अदर वर्ड्स कॉल्ड मॉडिफायर्स विच टूगेदर फॉर्म अ फ्रेज मीन्स दैट मीन्स हेड अकेले ही फ्रेज को नहीं बनाते जब हेड मॉडिफायर्स के साथ मिल जाते हैं तब एक फ्रेज बनता है अब कुछ फ्रेजेज है जो विदाउट हेड भी हम यूज करते हैं एंड दे आर टू टाइप्स ऑपोजिटिव एप्सल्यूट सो ऑपोजिटिव होते हैं फ्रेजेज दैट स्पेसिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड ऑपोजिटिव फ्रेज जो भी फ्रेजेस नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करते हैं उन्हें हम ऑपोजिटिव फ्रेजेस बोलते हैं सेकेंड है एप्सल्यूट जो भी फ्रेजेस एक्सप्लेन करते हैं पूरे सेंटेंस को नॉट जस्ट वर्ड आर कॉल्ड एप्सल्यूट फ्रेजेस सो नाउ लेट स्टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू गेट अटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दाइप एज वेल एज दो सो दर्स्ट फेज टाइप इज नाउन एंड दिवेन इज शी वोर अ डेनिम ब्लैक जींस सो हमने नाउन हेड में बात की थी कि हेड इज नाउन तो हम उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं तो नाउन की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी प्लेस थिंग वस्तु इन सब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शी वोर अ ब्लैक डेनिम जीन्स यानी कि जीन्स कैसी है ब्लैक डेनिम तो यानी कि हम यहाँ पे नाउन की विशेषता या फिर नाउन की बात कर रहे हैं फिर बात आती है वर्व की तो नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्व फ्रेज एंड उसका एग्जाम्पल है शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर तो वर्व मतलब होता है क्रिया तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हेड वर्व है यानी कि हम वर्व फ्रेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या कर रही है पिक्चर ड्रॉ कर रही है सो so, यहाँ पे ड्रॉइंग अ पिक्चर विल बिकम वर्व फ्रेज नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रपोजिशन तो इन प्रपोजिशन द एग्जाम्पल कैन भी द डॉग इज वर्किंग एट द्री सो डॉग इज वर्किंग नॉर्मल हो सकता था बट हमने क्या लगा दिया एट दी ट्री सो एट दिल बिकम प्रपोजिशन तो यहाँ पे प्रपोजिशन के बारे में हमने बात की थी कि अगर स्टार्टिंग हेड से हो रही है तो हमेशा हम उसको फ्रेज टाइप को प्रपोजिशन हेड बोलेंगे या फिर प्रपोजिशन फ्रेज बोलेंगे फिर आता है वर्बल्स अब वर्बल्स का एग्जाम्पल है शी इंजॉय सिंगिंग इन द क्वर अब जब हम वर्बल्स की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि ये कभी कभी एडजेक्टिव भी, भी, भी होते हैं कभी एडवर्ब भी होते हैं कभी नाउन भी ये होते हैं तो यहाँ पे वो क्या करती है वो एंजॉय कर रही है किस में का, गाना गाना कोयर में गाना गाना इंजॉय कर रही है सो दैट बिकम्स अ वर्बल फ्रेज फिर आता है गैरेंट अब हमने जब हमने गैरेंट की बात की थी तो हमने कहा था कि दे आर सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल फ्रेजेस जो हम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं तो एग्जाम्पल कैन बी ही प्रैक्टिस किकिंग ऑन द क्लिफ तो किकिंग ऑन विल बिकम गारंट फ्रेज विच शोज दैट कि वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है किस चीज की पे करने की, so वो become हो जाता है यानी कि वो बन जाता है गारंट फ्रेज नाउ वी विल टॉक अबाउट इन्फाइनेटिव पार्टिसिपल ऑपोजिटिव इन एब्सोल्यूट वन बाय वन एंड वाइल टेकिंग फॉर ईच वन ऑफ देम सो फॉर इज टू टेक टर्न वी हैव टू ट्रेवल सिक्सटी किलोमीटर सो so, यहाँ पे टू आया है और हमने बात की थी कि जब भी कोई चीज टू से स्टार्ट होगी यानी कि पार्टिसिपल से स्टार्ट होगी तो उसे हम इन्फाइनेटिव फ्रेज बोलेंगे तो यहाँ पे इन्फाइनेटिव फ्रेज आ जाता है बिकॉज यहाँ पे टू से स्टार्ट हुआ है टू टेक टर्न वी हैव टू ट्रेवल सिक्सटी किलोमीटर देन पार्टिसिपल फ्रेज एग्जाम्पल स्टैचू मेड अप ऑफ मेटल लुक्स वेरी आर्टिस्टिक तो हमने पार्टिसिपल की बात की थी जब भी कोई चीज पास्ट में बात हो रही है प्रेजेंट में बात हो रही है तो उसको हम पार्टिसिपल से कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्टैचू बन चुका है ऑलरेडी वो आर्टिस्टिक लग रहा है दैट मीन्स इन है पास्ट अब ऑपोजिटिव की बात करते हैं ऑपोजिटिव का एग्जाम्पल है ही द दुचर्स सन वॉज अ नोटोरियस चाइल्ड तो अपोजिट में हमने बात की थी कि कोई भी सेंटेंस जब हम उसमें कोई स्पेशलिटी जोड़ते हैं एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो वो ओपोजिटिव बन जाता है तो यहां पे वो ही की बात हुई प्रोनाउन की फिर बुचर्सन प्रोनाउन की बात कर रहा है ऑपोजिटिव यानी कि जब भी कोई भी हेड बात करे प्रनाउन की एडजेक्टिव की एडवर्व की तो वो ऑपोजिटिव बन जाता है और यहां पे ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है विच इज अ प्रनाउन और जिसके बारे में बात हो रही है वो बहुत ही नटेरियस चाइल्ड है सो so, पे वो ऑपोजिटिव फ्रेज बन जाता है फिर आता है एब्सोल्यूट फ्रेज तो एग्जाम्पल कैन बी द इंजरी इज हील्ड ही वेंट फॉर अ वॉक तो एब्सोल्यूट क्या होता है जब एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है एब्सोल्यूट होती है नेचर में फिक्स्ड होती है नेचर में या फिर कुछ भी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल वी कैन सी सी दैट तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है द इंजरी इज हील्ड ही वेंट फॉर अ वॉक दैट मीन्स जो चीज पहले हो रही है उसके लेटर ऑन में कोई चीज टास्क उससे रिलेटेड होता है तो यहाँ पे उसकी इंजरीज भर गई तब वो किस चीज के लिए गया वॉक के लिए गया दैट इट बिकम्स एब्सोल्यूट फ्रेज सो नाउ वी हैव जस्ट टेकन द इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मच बेटर दैट फ्रेजेस आर ऑफ विच टाइप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दोफर फ्रॉम अ क्लॉज इन देंस दैट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट बट फ्रेजेस डज नॉट फ्रेजेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और जहां की अगर हम बात करते हैं कि क्लॉजेस की तो उनमें सब्जेक्ट होता है फ्रेजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज सी आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग द दीडियो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिल्डिंग फ्रेजेस बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू यूज द प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेंटेंस राइट सो बिल्डिंग फ्रेजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज It is through phrases that one learns to form sentences. It is very much important to form sentences, and it is very much important to form sentences, and for that we have to learn how to build phrases. Learning simple phrases in any language can help you to communicate better through that language. अगर हमें simple phrases आते हैं, या फिर हम उन्हें learn करते हैं, सीखते हैं, तो ये हमारे लिए easy बनाते हैं किसी से भी communicate करना और हमारी English को improve करते हैं।